नोटबंदी को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आज भी ये एक अहम मुद्दा है। एक तरफ जहां नोटबंदी को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमला करते हुए नोटबंदी के फैसले को विफल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इस फैसले को अपने पक्ष में मानकर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी प्रतिबंधित भारतीय करेंसी की धरपकड़ जारी है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी का दौर भी जारी है। गौरतलब है कि वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पहाड़िया मंडी इलाके से 47 लाख के पुराने 1000 के नोट बरामद हुए हैं। इन रुपयों को नेपाल ले जाकर खपाने की तैयारी थी। वाराणसी क्राइम ब्रांच और सारनाथ थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को 47 लाख रुपए के बंद हो चुके 1000 के नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ट्रेवल एजेंट हैं और भारत से बाहर नेपाल ले जाकर नोटों को खपाने के चक्कर में थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की तैयारी में लग गई है। हाँ, ये कुछ रिकवरी हुई है, लगभग 47 लाख के आसपास पुराने करेंसी नोट बरामद हुए हैं। इनसे और पूछताछ करके और जानकारी कर रहे हैं हम लोग, और FIR दर्ज करके और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग अभी और जानकारी हम लोग शेयर करेंगे।